अगर आप इस फेस को पहली बार देख रहे हैं देन हाय आई एम तनु. दिस इज माय चैनल जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं माय टेक ऑन ड्रेसिंग क्लासिक एंड एलिगेंट इन अ बजट. बिकॉज आई बिलीव ट्रेंड कोई भी हो, क्लासिक एंड एलिगेंट ड्रेसिंग हमेशा रेलिवेंट रहती है और उसके लिए हमें हीप्स ऑफ मनी स्पेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है. एंड कीपिंग दैट इन माइंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय अर्बनिक हॉल. आई हैव गॉट दिस टू ह्यूज पैकेज विच इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ जीन्स, अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ऑल्सो अ टॉप. तो अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट ऑल इज इन स्टोर देन कीप ऑन वॉचिंग. एंड आई प्रेफर टू शॉप ऑन अर्बनिक बिकॉज आई रियलाइज कि अर्बनिक पे वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं विच वी सी ऑन द हाई स्ट्रीट ब्रांड्स लाइक सारा और मासिमो ड्यूटी. बट ऑब्वियसली हाई स्ट्रीट ब्रांड्स पे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं. बट ऑन अर्बनिक वी गेट दो सेम प्रोडक्ट्स इन द इक्वली गुड क्वालिटी फॉर आई थिंक 1/3 द प्राइस. एंड अगेन आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अर्बनिक टू से एनी ऑफ इट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑन विद द हॉल. First item on the haul is the gorgeous dress that I am wearing and I'll be very honest with you. ये Urbanic haul मैंने सिर्फ इसीलिए create किया because I found this dress क्योंकि मैं ऐसी ही similar dress ढूंढ रही थी for the past 2 years but on high street brands वो बहुत ही expensive थी. And the moment I saw कि Urbanic पे a very similar dress is available on 1/3 the price, I decided I have to create this Urbanic haul. I love everything about this dress. Just look at the neckline, just look at the puffy sleeve detail as well. I think these kind of डिटेल्स बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही डिम्योर लुक देती हैं टू अ वेरी सिंपल ड्रेस एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट स्टैंड आउट. एंड जस्ट टू एनहांस द लुक फर्दर इसके ऊपर वेरी नाइस रफल डिटेल है ओनली ऑन द हेम लाइन एंड लुक्स वेरी शीक एट द वेरी सेम टाइम. नेक्स्ट आइटम ऑन द हॉल इज दिस ब्लश पिंक कलर प्लीटेड स्कर्ट जो मैंने पिकअप किया विच गेव मी अ वेरी टेनिस स्कर्ट काइंड ऑफ अ वाइब. नाउ अगर आपने ज़ारा की वेबसाइट और H&M की वेबसाइट चेकआउट किया है देन यू विल सी कि दिस काइंड ऑफ अ स्कर्ट इज वेरी हाई इन वोग एवरीवेयर इट्स देयर. सो आई वॉन्ट टू पिकअप वन फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड आई पिक इट अप इन अ ब्लश पिंक कलर बिकॉज आई लव वेरी लाइट पेसल कलर्स. सो आई थॉट विद अ वाइट सिंपल प्लेन टी शर्ट ये बहुत ही अच्छी लगेगी. तो इनकेस आप भी अपने लिए अर्बनिक से प्रोडक्ट्स पिकअप करना चाहते हैं देन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई टैन शॉपिंग पेज का लिंक शेयर कर दूंगी. टैन शॉपिंग पेज है जो मैंने क्रिएट किया है जहां पे सारे पिक्चर्स होंगे ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस हॉल एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस हॉल. जो भी प्रोडक्ट आप पिकअप करना चाहते हैं जस्ट क्लिक ऑन दैट पिक्चर और वो ले जाएगा आपको टू द डिजायर्ड वेबसाइट. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ माई रिसेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई लव यूजिंग इट. आई ट्राइड अ फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड्स जो मुझे पहले काफी अच्छे से सूट हुए थे. सो आई हैव पिक्ड अप सम न्यू प्रोडक्ट्स दैट आई एम एब्सोल्युटली लविंग. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग इज ऑब्वियसली वॉश माई फेस एंड आई यूज द पपाया फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स. नाउ इवन दो मेरी सुपर सेंसिटिव स्किन है सो इट सूट्स मी वेरी वेल. आफ्टर दैट आई ऑलवेज गो इन फॉर अ टोनर एज वेल एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस टोनर फ्रॉम गुड वाइब्स. नाउ आप टोनर हमेशा यूज कीजिए स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज इट इंश्योर्स कि जो हमारे पोर्स हैं ऑन द फेस दे जस्ट क्लोज अप ताकि उनके अंदर कोई भी डर्ट या कोई भी इम्प्योरिटीज ना आ जाए बिकॉज दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू ओनली एक्ने. एंड आफ्टर दैट आई ऑलवेज फिनिश माई होल स्किन केयर विद द एलोवेरा जेल एंड अगेन आई पिक इट अप फ्रॉम गुड वाइब्स क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. और ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने पिकअप किए हैं फ्रॉम पर्पल और पर्पल पे एक अमेजिंग स्किनटास्टिक सेल स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1st of June टिल 6th of June वेर ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल एट अप टू 50% ऑफ. प्लस अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं विच इज गेट 100 देन आपको फर्दर एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा. सो इन केस यू वॉन्ट टू पिकअप दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर सेल्फ देन आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ मूविंग बैक टू द हॉल. नेक्स्ट आई पिक्ड अप दिस क्रॉप टॉप इन अ व्हाइट कलर एंड ऑब्वियसली इसका नेकलाइन विच हैज अ वेरी स्लाइट स्वीटहार्ट नेकलाइन अकॉम्पनीड विद अ पफी स्लीव डिटेल. सो मैं इसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाई एंड दिस ऑल्सो हैज दिस टाई डिटेल एज वेल. नाउ आई वॉन्टेड टू एड दिस काइंड ऑफ अ क्रॉप टॉप इन माई वार्डरोब बिकॉज दे आर वेरी वर्सेटाइल. आई मेजरली पिकअप दीज काइंड ऑफ वेरी शॉर्ट क्रॉप टॉप्स टू बी पेयर्ड विद अ नाइस साड़ी. नेक्स्ट आई पिक्ड अप इज अ पेयर ऑफ जीन्स विच इज अ स्ट्रेट अप फिट जीन्स जो कि ऑब्वियसली हाई वेस्टेड है. आई थिंक हाई वेस्टेड जीन्स हमेशा स्मार्ट लगती हैं चाहे आप उन्हें पेयर अप करें विद अ टी शर्ट और विद अ शर्ट. And just to enhance the look further, इसके ऊपर embroidered hearts हैं all over it. Now I think gone are the days के skinny fit jeans was in vogue. I think these kind of you know relaxed fit of jeans, चाहे वो mom fit jeans हो या फिर straighter fit jeans हो, they are very much in vogue. They look very stylish and they are very comfortable. Next I picked up is one of my favorite pieces in my wardrobe जो मैं बहुत ज़्यादा collect करती हूँ and that's a midi length dress. I absolutely love this one क्योंकि it has floral print जिसके साथ में
ये पफी स्लीव डिटेल है एंड दिस ऑल्सो हैज अ स्लाइट बिट ऑफ रफल डिटेल ऑन द नेक लाइन. तो दिस फ्लोरल प्रिंट और इनहेंस हो जाता है एंड जस्ट टू एड अप टू इट फर्दर इसके ऊपर ये प्लीटेड डिटेल है राइट अराउंड द वेस्ट डाउन एरिया. इट्स वन ऑफ दोस सटल बट वेरी क्लासियर पीसेस. नेक्स्ट आइटम ऑन द हॉल इज दिस गॉर्जियस व्हाइट कलर ड्रेस दैट आई हैव पिक्ड अप एंड दिस वाज द सेकंड ड्रेस जो मैंने अपने कार्ट में ऐड किया था बिकॉज आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट एडिंग इट. दिस वन ऑफ दोस वेरी 1950s स्टाइल ऑफ अ ड्रेस एंड आई लव कलेक्टिंग दोस ड्रेसेस बिकॉज दे वर वेरी वेल फिटेड मिडी लेंथ ड्रेसेस विच यूज टू बी quite fitted around the waist area and on top of that is dress ke upar ye sweetheart neckline hai accompanied with the puffy sleeve detail. So this is one of those you know elegant timeless pieces. And even though it's a cotton dress, generally हम cotton dresses को associate करते हैं with a very casual dressing, but इसका fit इतना amazing है that it doesn't look casual at all. तो ये था मेरा अपने हॉल अंडर अ ग्रेट बजट. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिसके साथ में आता है सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम अपलोड अ वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.